आज के इस वीडियो के साथ हम सॉयल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के दौरान हम काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सब टॉपिक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हम जानेंगे सॉयल बायोलॉजी के बारे में, जिसे हम सॉयल माइक्रोबायोलॉजी भी कह देते हैं। तो सॉयल माइक्रोबायोलॉजी जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, इसे हम जानेंगे, एक इंट्रोडक्शन के रूप में जानेंगे। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर करेंगे, और डेफिनेशन जो सॉयल माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन है उसे हम कवर करने वाले हैं। साथ में हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री जब हिस्ट्री का नाम लिया जाता है तो फिर किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। और साथ में हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, उन्हें भी इस वीडियो के दौरान हम कवर करने वाले हैं। और एट दी एंड हम ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस की आउटलाइन भी देखेंगे, यानी इस वीडियो के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस देखेंगे कि किस तरह से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि सॉइल के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। और आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम सॉइल बायोटा को कवर करेंगे, सॉइल माइक्रोबियल बायोमास को कवर करेंगे, एंजाइम्स, और साथ में हम नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, तो इन सभी टॉपिक्स को भी कवर करने वाले हैं। अब मैंने यहाँ बायो फर्टिलाइजर्स को रेड कलर दिया है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर चुका हूँ, इसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़, मेरा नाम है दिवाकर खत्री, और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इन दिस वीडियो, हम इस वीडियो के अंदर क्या जानने वाले हैं, यस वैसे तो मैंने आपको भी बता दिया, लेकिन प्रिसाइसली वापस देख लीजिए कि डेफिनेशन ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू द सॉइल बायोलॉजी, कि सॉइल बायोलॉजी के अंदर सॉइल की क्या डेफिनेशन है। फिर हम डेफिनेशन जानेंगे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की, उसके बाद हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की क्या हिस्ट्री है, और उसके बाद हम पियोनीर माइक्रोबायोलॉजिस्ट इस टॉपिक को कवर करेंगे। पियोनीर का मतलब यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनसे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन हमें याद रहनी चाहिए, इसे हम जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर, और इवन मैं यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना मेंशन करके सिर्फ ऑर्गेनिज्म मेंशन करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑर्गेनिजम्स जो हैं सॉइल के अंदर उनका क्लासिफिकेशन, अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, तो इसको जानना ज़रूरी है। अभी इस वीडियो के दौरान हम इसे भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें सॉइल की, सॉइल की डेफिनेशन हमने पेडोलॉजी में भी पढ़ी है और भी अलग अलग सेंसेज में पढ़ी है, लेकिन बायोलॉजी, सॉइल बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में अगर हम कहें तो सॉइल इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्या आपको कभी याद है कि जो सदगुरु हैं उन्होंने एक कंप्लीट हम देख सकते हैं कैंपेन शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने जगह जगह जाके सेव सॉइल के ऊपर कंप्लीट अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर उन्होंने ये फोकस किया था कि सॉइल इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश करी कि सॉइल ज़िंदा होती है, मिट्टी जो है, और उन्होंने ये भी बताया कि मिट्टी जो है वो मर रही है। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि सॉइल के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो किल होंगे, अगर वो ख़त्म होने लगेंगे, तो उसका मतलब ये हुआ हम कहेंगे कि सॉइल जो है वो मर रही है। तो इसलिए हम पहले ही समझते हैं कि क्योंकि सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए हम ये बात याद रखते हैं कि सॉइल इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? द सॉइल इज़ अ कंसोर्शिया ऑफ लिविंग सेल्स इन एन ऑर्गेनिक मिनरल मैट्रिक्स। क्या लिखा है कि सॉइल इज़ अ कंसोर्शिया, इसका मतलब यह है कि इज़ अ ग्रुप, मतलब कंसोर्शिया हम कह सकते हैं इज़ अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स इन एन ऑर्गेनिक स्लैश मिनरल मैट्रिक्स। अब सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी है और साथ में मिनरल मैटर भी है, तो उस मैटर के अंदर जो भी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनकी वजह से हम कहते हैं कि सॉइल इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स, राइट? तो लिविंग सेल्स क्या हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, और अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात कह सकते हैं। नॉट एवरी सेल इज आइडेंटिकल और कैरीज आउट द सेम फंक्शन और इज एक्टिव एट द सेम टाइम। ये बात आप समझते हैं कि हर सेल जो है वो क्या है, आइडेंटिकल नहीं है। कुछ बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ फंगल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या बैक्टीरिया हैं तो वो भी अलग अलग तरह के हैं, कई सारे अलग अलग टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं, तो उनके फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हमने इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है उसे कवर करें तो वो है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की क्या डेफिनेशन है? सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कहती है कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सॉइल। सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करना ही सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है। देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और सिर्फ उनकी ही स्टडी की, स्टडी के अंदर क्या मेंशन होगा? उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से क्या मतलब है? उनकी एक्टिविटीज़ से मतलब ये है कि वो किस तरह की प्रोसेसेस करते हैं,
जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से करते हैं, तो इस तरह के अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करना, देयर रोल्स इन एनर्जी फ्लो, वो किस तरह से अर्थ के ऊपर जो सन से एनर्जी आ रही है वो प्लांट्स तक किस तरह से पहुँचा रहे हैं उस एनर्जी को, तो उस तरह से एनर्जी की फ्लो में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, एंड देयर रोल्स इन न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल जिसमें हमने वो बात करी थी अभी, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये अलग अलग जो साइकिल्स हैं उनके अंदर किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल प्ले करते हैं, इन सभी की स्टडीज जगह हम कर रहे हैं उसे हमने क्या नाम दिया है, उसे कहा है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, राइट। तो इस तरह से हमें एक रॉन एटलस और मार्टिन एलेक्जेंडर की ये डेफिनेशन बताई जाती है जो कि है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पे। आई होप ये आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम दो ब्रॉड एरियाज के अंदर स्टडीज करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एक ऑर्गेनिजम्स पे भी फोकस्ड है और दूसरी ओर इन ऑर्गेनिजम्स की प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। जो यहाँ रिप्रेजेंटेड है कि ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्टडी है, ऑर्गेनिज्म की जब बात होती है तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उनकी टैक्सोनॉमी क्या है, वो पैथोलॉजी किस तरह से वो प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, पैथोलॉजी क्या है, और सिम्बायोसिस यानी प्लांट का इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह से कोई रिश्ता है, सिम्बायोसिस किस तरह से है, या अलग अलग तरह के इनकी जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें स्टडी करना किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर फोकस करके, तो ये एक सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का एक हिस्सा हो सकता है। जबकि अगर हम बात करें प्रोसेसेस की, तो प्रोसेसेस का मतलब ये आप समझते हैं बायोजियोकेमिकल, न्यूट्रिएंट साइकिल, ग्लोबल चेंज, एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रोसेस हो सकते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं उन सभी की स्टडी जो है वो इन प्रोसेसेस के अंदर आएगी, राइट। समझ आ जाएगा। तो अब अगर हम आगे देखें तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, अब यहाँ जब फर्स्ट लिखा हुआ आता है तो हमारा दिमाग पूछता है फिर सेकंड क्या है ना। देखो सेकंड वगैरह तो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो प्रिंसिपल मेंशन है वो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूबिक्यूअस। यूबिक्यूअस मतलब हर जगह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ बालों में भी होंगे, यहाँ हाथों में भी होंगे, ज़मीन में, मिट्टी में तो है ही, जहाँ आप बैठे हैं उस सीट पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही। तो इसलिए हमने कहा दे आर एवरीवेयर और विदाउट ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन, किसी भी एक्सेप्शन बहुत कम एक्सेप्शन होंगे अगर होंगे भी, तो मतलब मोस्ट ऑफ दी जगहों पर कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही। तो हमने कहा है वी स्टडी देम इन सॉइल बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द एक्टिविटी इन द सॉइल। सॉइल में कई एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विदाउट सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये बात इंपॉर्टेंट है कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो द सॉइल वुड बी स्टेराइल। स्टेराइल मतलब जो मिट्टी है वो मर चुकी होगी, हमारी मिट्टी काम की नहीं रहेगी अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं हो, एंड लार्जली इनर्ट मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगी, एंड रूटिंग मीडिया एंड लिटिल एल्स। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल हम देखेंगे सॉइल जो है वो हमारे काम की नहीं रहेगी अगर उसमें सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो लिविंग है, वो लिविंग है तो हमारे काम की है, जैसे हमें समझ में आना चाहिए ये सब चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है वो है हिस्ट्री ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो स्लाइड है वो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए यहाँ पे तो कुछ इंफॉर्मेशन थियोरेटिकली रिप्रेजेंटेड है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सम 5 मिलियन ईयर्स अगो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सम 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड विच इज़ वेन द फर्स्ट फॉसिल्स एविडेंस ऑफ बैक्टीरिया अपीयर्स। अगर आपसे पूछ ले पहली बार बैक्टीरिया का अपीयरेंस कब देखा गया, तो 5 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स सबसे पहले आए, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट्स की शुरुआत हुई, फिर ही आगे डेवलपमेंट होते होते आज हम देख रहे हैं पूरा इंसान भी बन चुका है, और इवन अलग अलग तरह के एनिमल्स भी अलग हुए। तो कहने का मतलब ये हुआ उनका एवोल्यूशन अलग तरह से देखा जाता है। तो सॉइल माइक्रो बायोलॉजी एज अ डिसिप्लिन फर्स्ट बिगेन विद द एग्रीकल्चर। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी किससे शुरू हुई, एग्रीकल्चर से शुरू हुई, एंड मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन, और से क्रॉप प्रोडक्ट मैनिपुलेशन हुआ सॉइल का जिससे क्रॉप प्रोडक्शन हो पाया। तो ये बात देख सकते हैं हम, कुछ दिमाग में याद रखने वाली है कि द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी सॉइल माइक्रोबायोलॉजी ऑब्जर्वेशन कैन बी कन्वीनियंटली एट्रीब्यूटेड टू द एशियंट रोमन एग्रीकल्चर राइटर्स। क्या कहा है कि फर्स्ट माइक्रो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो उनका ऑब्जर्वेशन किससे रिलेटेड है, तो रोमन एग्रीकल्चर राइटर से रिलेटेड है, हु नोटेड प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल। जिन्होंने पहली बार क्या देखा, तो हम देख सकते हैं उन्होंने नोड्यूल्स देखे, कहाँ पे, ऑफ कोर्स लेग्यूमिनस रूट्स के अंदर। तो एक बात दिमाग में, एक हिस्ट्री के रूप में ये याद रख सकते हैं कि रोमन साइंटिस्ट ने जो थे, रोमन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार लेग्यूम्स की जड़ों में यानी रूट्स के अंदर क्या देखे, उन्होंने देखे हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ऑब्जर्वेशन उन्होंने सबसे पहले किया। अब उसके बाद एक बात यहाँ ये मुझे थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि 5 बिलियन ईयर्स अगो जो हम देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे रिलेटेड बात ये है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट द फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम यू बैक्टीरियम कहते हैं, तो फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया की जगह स्पेसिफिकली हम कहें तो वो क्या होगा,
यू बैक्टीरियम होगा, एंड द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक सेल, जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक सेल है वो क्या होगी, तो हम कहेंगे गुनफ्लिंचिया होगी। तो ये दोनों नाम अपने दिमाग में रखिएगा, अगर आपके सामने किसी एग्जाम में ऑप्शंस में आ जाएं तो ऐसे ना हो ये नाम कि आपने कभी सुने ही ना हो, तो इन नाम को भी हमें दिमाग में रखना है। एक तो यू बैक्टीरियम जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, और सबसे पहले फोटोसिंथेटिक सेल्स कौन सी मानी जाती है, तो गुनफ्लिंचिया मानी जाती है, ठीक है, गुनफ्लिंचिया। नेक्स्ट है इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ सर्फेस, दे आर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बायोस्फीयर, और इन्हीं से ऑक्सीजन बनी, और ऑक्सीजन हुई तो फिर अर्थ का फिर इवोल्यूशन आगे बढ़ा, और आज हम देख सकते हैं कंप्लीट अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हुए, डन। तो इस तरह से हमने कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें अब तक जान ली हैं। अब आप हम कुछ इससे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो एग्जामिनेशन में सीधे पूछे जा सकते हैं। पहला नाम जो आपने ज़रूर सुना होगा, रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट तो कंट्रीब्यूशन वही है जो बचपन में पढ़ते आए थे, बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, साथ में उन्होंने पब्लिकेशन किया माइक्रोग्राफिया का, पब्लिकेशन ऑफ माइक्रोग्राफिया इनकी बुक आई थी, तो उसका इन्होंने पब्लिकेशन किया। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ प्रोटोजोवा एंड फंगाई, प्रोटोजोवा और फंगाई का पहली बार हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किसने किया, तो इन्होंने, यानी हम कह सकते हैं रॉबर्ट हुक ने किया। उसके बाद हम देख सकते हैं एंटोनियस वॉन लीवेनहॉक, लीवेनहॉक का नाम तो फेमस है, बिल्कुल हुक जैसा ही नाम इनका भी बहुत फेमस है। हमने कहा था पहली बार लिविंग सेल्स किन्होंने ढूंढी थी, पहली बार लिविंग सेल्स लीवेनहॉक ने ढूंढी थी। डेड सेल्स की सबसे पहले खोज किसने करी थी, कॉर्क के अंदर हम स्टडीज याद किया करते थे, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, राइट। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स, सॉइल ऑर्गेनिज्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑब्जर्वेशन उन्होंने पहली बार किया है, और पेपर वाटर वाज द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिक माइक्रोबायोलॉजिकल मीडियम। तो एक माइक्रोबायोलॉजी मीडियम के बारे में बताया जिन्होंने कहा है पेपर वाटर। तो इस तरह से कुछ बातें इनसे रिलेटेड भी हम याद रख सकते हैं। लुइस पाश्चर का नाम बहुत फेमस है, लुइस पाश्चर ने क्या किया, तो पाश्चराइजेशन के बारे में बताया। पाश्चराइजेशन एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, कभी आने वाले वीडियोस में हम उससे कवर करेंगे। तो पाश्चराइजेशन के बारे में बताया, रेबीज़ वैक्सीन के बारे में इन्होंने इनकी खोज करी, इन्होंने एंथ्रेक्स की स्टडी करी। एंथ्रेक्स एक बहुत घातक बीमारी होती है, आपको पता होगा कैटल्स के अंदर दिखी जाती है, तो ये एंथ्रेक्स की स्टडी इन्होंने करी, और साथ में ईस्ट फर्मेंटेशन के बारे में बताया। डिवाइस इज द अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूविंग डिवाइस द अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूविंग और डिस्प्रूविंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको उन्होंने डिस्प्रूव किया। तो इससे रिलेटेड कुछ लुइस पाश्चर से रिलेटेड ये बातें हम याद रख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच का नाम भी बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि अगर आप किसी सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की कर रहे हो तो ये रॉबर्ट कोच की पोस्टुलेट, रॉबर्ट कोच पोस्टुलेट जिन्हें हम कहते हैं, तो कोच पोस्टुलेट्स आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे कि इन्होंने, अच्छा इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हम याद करें तो इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस की स्टडी करी है, प्योर कल्चर टेक्निक की खोज इन्होंने करी है, डेवलप द कोच पोस्टुलेट फॉर द एपिडेमियोलॉजी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। एपिडेमियोलॉजी का मतलब आप समझते होंगे कि कोई भी पैथोजन जो है वो किस तरह, किस पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो कर पाता है, और वो किस तरह से हार्म पहुंचा सकता है प्लांट्स को। तो इस तरह की स्टडीज़ जो हम कहीं ना कहीं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर स्टडी करते हैं, तो वहाँ हम देख सकते हैं उससे रिलेटेड कोच पॉस्टुलेट्स हैं। ये पॉस्टुलेट्स हम याद रखते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड विद अ गिवन डिजीज, कोई पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर क्या हो सकता है, हम देख सकते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है। द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन अ प्योर कल्चर इन द लेबोरेटरी। अब उस हम कोई भी जो पैथोजन है उसे हम सेपरेट करके उसकी ग्रोथ भी करा सकते हैं, यानी उनको हम ग्रो करा सकते हैं प्योर कल्चर के रूप में। द प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस द डिजीज वन द इनोक्यूलेटेड ऑन टू अ ससेप्टेबल होस्ट। ऑफकोर्स अगर इस जो हमने डेवलप करे हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको अगर हम किसी प्लांट के ऊपर इन्फेस्ट करा दें तो वो ऑफकोर्स उसके ऊपर एक बीमारी क्रिएट करेंगे, और इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल होस्ट। इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल होस्ट, और एक्सपेरिमेंटल होस्ट से इसे वापस रिकवर करना भी पॉसिबल है। तो ये चारों ही बातें, ये बातें हमें याद रखनी है किसके रूप में, कोच पोस्टुलेट्स के रूप में। ये चारों बातें आपको एग्जामिनेशन में लिखनी पड़ सकती हैं, तो इसे अच्छे से याद रखें। अगर किसी सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपके यहाँ पे ईयर याद रखिएगा। कोच रॉबर्ट कोच का कंट्रीब्यूशन कब से कब तक माना जाता है, 1843 टू 1910 तक। तो इस तरह से हमने कोच पोस्टुलेट को भी जान लिया। उसके बाद एंजेलिना हेस, ये जो एंजेलिना हेस है इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस द अगार एज अ माइक्रोबायोलॉजिकल जेलिंग एजेंट फॉर द सॉलिड मीडिया। तो
इन्होंने एक कौन सा दिया है, हम देख रहे हैं अगार के बारे में बताया। अगार एक मीडियम है, तो अगार के बारे में सबसे पहले इन्होंने दिया एंजेलिना हेस ने बताया। एली मैचलिकॉफ ने क्या किया, तो फैकोसाइटोसिस के बारे में बताया। इनकी मैं पिक्चर अवेलेबल नहीं करा पाया हूँ यहाँ पे स्पेस में, हमें सिर्फ तीन ही इमेजेस है। ये एंजेलिना हेस की इमेज है, ये विनोग्रेडेस की इमेज है, और ये बेजलिनिक की है। अभी विनोग्रेडेस की और बेजरीन एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आपने ज़रूर सुने होंगे नाम। तो ये विनोग्रेडेस की अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जेरफ नहीं, जेरफ एसआरएफ इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नाम होते हैं बहुत। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। तो हम कहते हैं द फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इज़ विनोग्रेडेस की, और कंप्लीट नाम बोले तो सर विनो ग्रेडेस की है। तो ये विनो ग्रेडेस की इज इनफ, तो ये इसे याद रखें। विनो ने जीत लिया, विन मतलब जीत लिया, किसे जीत लिया, तो हमने कह दिया सॉइल माइक्रोबायोलॉजी को जीत लिया। लेकिन नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिस्क्राइब दी हीमोटोग्राफी एंड आइसोलेटेड आइसोलेट किया उन्होंने नाइट्रिफर्स को, और साथ में इन्वेस्टिगेटेड एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनारोबिक कंडीशन नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करी विनो ग्रेडेस की ने। बेजरीन एक ने क्या किया, तो स्टडीड द सिम्बायोटिक एंड ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक एंड ए सिम्बायोटिक। अच्छा, हम कह रहे हैं कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड स्टडीज जो है वो बेजरीन एक ने करी, इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड द फर्स्ट प्योर कल्चर ऑफ राइजोबियम, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि राइजोबियम का पहली बार हम कह सकते हैं प्योर कल्चर किसने क्रिएट किया, तो हम याद रखेंगे बेजरीन एक ने किया था, और वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिकॉग्नाइज वायरसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी अगर 12th क्लास में आपने बायोलॉजी पढ़ी है, नीट की प्रिपरेशन करी होगी कभी, या कहीं ना कहीं बायोलॉजी को पढ़ा होगा, तब आपने जाना होगा कि वहाँ बायोलॉजी की बुक के अंदर हमारे यहाँ मेंशन होता था बेजरीनिक का। तो वायरस की सबसे पहले स्टडी किसने करी थी, तो बेजरीनिक ने करी थी। ठीक है, बेजरीनिक है ना, तो हो सकता है मैं इनका नाम ढंग से ना बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन इनका काम जरूर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है फ्लेमिंग फ्लोरे एंड चेन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम तो सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी करी थी पेनिसिलियम की, पेनिसिलियम नोनेटम जो होती है फंगाई, उसका स्ट्रेप्टोमाइसिस के ऊपर वर्क देखा था इन्होंने, स्टडी किया था। तो इन्होंने अल्टीमेटली दुनिया को एक एक्सीडेंटल थी ये इनकी खोज, काम कुछ कर रहे थे, निकल के कुछ और आ गया। बट अगर ये स्टोरी आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखें कि फ्लेमिंग डिस्कवर्ड दी बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलियम स्पीसीज, और फ्लोरे एंड चेन ने कमर्शियली, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो क्या बताया, पेनिसिलियम की खोज कर दी, लेकिन उसी कमर्शियली उससे एंटीबायोटिक बनाने की खोज किसने बताई, एंटीबायोटिक बनाना मतलब कमर्शियल लेवल पे बनाना, ये काम किया चेन एंड फ्लोरे ने। तो इन तीनों इंसानों को, यानी फ्लेमिंग फ्लोरे एंड चेन, इन तीनों को ही बाद में नोबल प्राइज़ भी मिला था। WW सेकेंड मतलब ये है वर्ल्ड वार सेकेंड और उससे पहले, तो उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्यों, क्योंकि उस वक्त सोल्जर्स के लिए एंटीबायोटिक्स के लिए कौन प्रोवाइड कराई, उन्होंने फ्लेमिंग नहीं करवाई एक तरह से, क्योंकि इन्होंने एंटीबायोटिक की खोज कर दी जो कि क्या है, पेनिसिलियम है, राइट। जैकब लिपमैन ने ऑथर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन रिलेशन टू द कंट्री लाइफ। ओके, नेक्स्ट है वैक्समैन, वैक्समैन को याद रखना जरूरी है इसलिए क्योंकि ये फादर ऑफ अमेरिकन सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कहे जाते हैं, फादर ऑफ अमेरिकन सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। जबकि अगर हम बात करें नॉर्मली सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की, तो वो कौन थे, अभी हमने जाना था ऊपर, जो कि है विनो ग्रेडेस की, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है डिस्कवर्ड द बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज, पेव्ड द वे ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द सॉइल एंड एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज से भी एंटीबायोटिक्स बनाना, इन चीज़ों के बारे में वॉक्समैन ने बताया, और इसीलिए हम शायद इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो साइंटिस्ट से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन कभी ये भी पूछा जा सकता है कि सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की अप्रोच क्या है, या इसका स्कोप कहाँ तक है, कहाँ इसकी स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इन स्टडीज़ के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, मिनरल नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, राइजोबियर की स्टडीज़ करते हैं, राइजोस्फीयर समझते हैं, रूट जोन की स्टडीज़ करते हैं, सॉयल एंजाइम्स की स्टडी करते हैं, बायोडिग्रेडेशन जानते हैं, मेटल ट्रांसफॉर्मेशन, कार्बन साइक्लिंग के बारे में जानते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में जानते हैं, और रिलीज ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ जेम्स, जेम्स के लिए ही मैंने ये वास्तव में स्लाइड लिखी है, ताकि आपको ये पता हो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जेम्स, तो इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। तो इस तरह से एक स्कोप पता होना चाहिए कि सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कहाँ कहाँ क्या क्या स्टडीज़ से रिलेटेड है, तो इन सभी स्टडीज़ से रिलेटेड है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, वास्तव में तो हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स,
जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, लेकिन एक आउटलाइन मैं आपके दिमाग में अभी ही बना देना चाहूँगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो एक आउटलाइन के रूप में ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल आर क्लासिफाइड इंटू टू मेन ग्रुप्स। मेनली दो ग्रुप्स के अंदर हम सॉइल ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। कौन से हैं वो दो ग्रुप्स? सीधा ही अगर हम एक चार्ट के रूप में देख लें तो इस तरह से है कि फ्लोरा एंड फौना। यहाँ लिखा है फौना, ये है फ्लोरा। फौना का मतलब समझते हैं एनिमल्स, फ्लोरा हाँ फ्लोरा फ्लोरा फ्लावर आ रहा है तो ऑफकोर्स वो प्लांट्स की बात हो रही होगी। तो प्लांट से रिलेटेड कुछ सेल्स और कुछ सेल्स हम देख रहे हैं एनिमल से रिलेटेड जो है। तो उस एनिमल से रिलेटेड को भी हम बांट देते हैं माइक्रो मैक्रो में, और फौना और सॉरी फ्लोरा को भी माइक्रो मैक्रो में बांट देते हैं। तो माइक्रो फ्लोरा मैक्रो फ्लोरा, माइक्रो फौना मैक्रो फौना, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी हमें अच्छे से याद रखना है, ये एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो माइक्रो फौना के अंदर आते हैं प्रोटोजोआ निमेटोड्स एंड रोटिफर्स, जो जानवर हैं एक तरह से। तो कौन कौन से जानवर हैं? प्रोटोजोआ जानवर में कंसिडर्ड है, निमेटोड्स हैं और रोटिफर्स हैं, लेकिन जो आंखों से देखे जा सकते हैं, ये लोग आंखों से नहीं देख सकते लेकिन ये देखे जा सकते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, टर्माइट्स हो गए, एंट्स हो गए, ग्रब्स हो गए, स्लग्स एंड स्नील्स हो गए, सेंटीपीड्स हो गए और मिलीपीड्स हो गए। तो ये सभी क्या होंगे? ये मैक्रोफौना के अंदर आएंगे। जबकि फ्लोरा की बात करें जो कि प्लांट से रिलेटेड कंडीशंस वाली कहें हम, तो वो बैक्टीरिया हो गए, एक्टिनोमाइसिटीज हो गए, फंगाई हो गए और एल्गी हैं। तो ये सभी माइक्रो फ्लोरा के अंदर आएंगे, जबकि मैक्रो फ्लोरा के अंदर प्लांट की रूट्स और साथ में मैक्रो एल्गीज कंसिडर किए जाते हैं। तो सॉइल के अंदर जिंदा चीज़ें जो भी हैं उन्हें हमने दो तरह से बांट दिया, या तो वो प्लांट से रिलेटेड है या वो एनिमल से रिलेटेड है, या तो वो आंखों से नहीं देखी जा सकती या वो आंखों से देखी जा सकती है। तो इस तरह से हमने इसे क्लासिफाई किया है और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट किया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, इसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा और अच्छे से खोल के दिखा दिया मैंने आपको ताकि आपको आने वाले वक्त में ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सब स्टडीज़ आपको खुद करनी है इस वीडियो के दौरान, जो पढ़ के देख सकते हैं पढ़ लीजिए, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस क्लासिफिकेशन के अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशन हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑटोक्थोनस, जिग्मोजीनस और साथ में एलोक्थोनस, इस तरह की चीज़ों में डिवाइड करते हैं। ये नाम बहुत अनसुने से अजीब लगते हैं, आने वाले वक्त में इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। सेलुलर डिग्रेडर्स मतलब ये बायोकेमिकल एक्टिविटी की बिहाफ भी हम डिवाइड कर देते हैं, टेम्परेचर की बिहाफ पर भी डिवाइड करते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बिहाफ पर भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम स्टडी करने के बाद आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये स्लाइड्स जो हैं आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसे कवर करेंगे। आज इस वीडियो में मैं इसे कवर नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत कुछ वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और आने वाले वक्त में कंटिन्यू करेंगे किससे? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपको कहूँगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ में हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे, इसलिए क्योंकि हमने सॉइल फिजिक्स कम्प्लीटली कवर कर रखी है, सॉइल पेडोलॉजी कवर कर रखी है और भी इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन वीडियोज़ हैं उन्हें हमने कवर किया है। और भी सारी चीज़ें इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं आपके लिए, आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की पूरी जर्नी के दौरान, जेआरएफ की प्रिपरेशन के दौरान, या इवन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शन से, तभी ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो या एएफओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए कहीं ना कहीं वीडियोज़ हेल्पफुल हो सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।